नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आपका हमारे चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी लाल पान की बेगम लेके प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी नारी शक्तिकरण पर आधारित है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और कहानी की चर्चा करेंगे। यह UGC हिंदी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की चाह को जग में जाहिर किया है। पति पत्नी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोकझोंक और रूठना, पल में मान जाना दिखाया गया है। ग्रामीण जीवन में मेलों और नाच के महत्व को दिखाया गया है, जिसे लेकर बड़े से छोटे सब में उत्साह रहता है। आइए कहानी के पात्रों से परिचय कराते हैं। बिरजू की माँ कहानी की नायिका है। ये एक सशक्त महिला है जो सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास रखती हैं, जो पल में रूठती हैं और पल में ही मान जाती हैं। बिरजू के पिता एक डरपोक किस्म के इंसान जो खुद की चाह को सदैव दबा कर रखते हैं। बिरजू चंपिया भाई बहन है, मखनी बुआ जिनका कोई नहीं है, जग्गी की पतो एक मुँह जोर नवविवाहित स्त्री है जो बिरजू की माँ से डरती नहीं है। सुनहरी गांव की एक स्त्री है। आइए कहानी की समीक्षा करते हैं। कहानी की शुरुआत बिरजू के माँ के गुस्से के साथ होती है, जहाँ एक ओर बिरजू उसे शक्करकंद खाने की हट किए हुए था, चंपिया जो सामान लेने गई थी अभी तक लौटी नहीं थी। इन सब के कारण बिरजू की माँ गुस्से में थी। मखनी फुआ उस वक्त नाच देखने की बात छेड़ देती हैं। बिरजू की माँ गुस्से में कहती हैं, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगिया हो तब ना फुआ। दोस्तों, यह एक कहावत है। बिरजू की माँ अपना सम्मान बचाने के लिए गुस्से में फुआ से कहती हैं, अगर उनके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात फुआ की तरह वेली हो, तब तो मेला देखने जाएं। इस बात से फुआ को बुरा लग जाता है और वहाँ से चली गई। पनहारी के बीच में मकनी फुआ ने बिरजू की माँ की बात का जिक्र करती हैं। 8 दिन पहले बिरजू की माँ ने सबसे कहा था कि बिरजू के पप्पा बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएंगे, इसलिए मखनी फुआ ने बिरजू की माँ से नाच देखने वाली बात के बारे में पूछा था। लेकिन बिरजू की माँ ने गुस्से में जवाब दिया, उससे मखनी फुआ को बुरा लग गया। चंपिया के घर अभी तक ना लौटने के कारण बेहद गुस्से से तिमतिमाती हुई चंपिया पर क्रोधित हो रही थी। यह सब सुनकर पास से गुजरती जंगिया की बहू ने कहा, चल दिदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम की बस्ती है, नहीं जानती दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की तरह भगभग करती जलती है। बिरजू की माँ के बारे में 3 साल पहले एक कहानी गढ़कर फैलाई गई थी कि चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। बिरजू के बापू को कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी तो वह मलदियाहा टोले के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहे थे। यह संदेश चंपिया द्वारा भिजवाया। गाड़ी ना मिलने के कारण बिरजू की माँ
उसके बापू से नाराज होकर सब काम छोड़कर सोने चली जाती है। यह सुनकर चंपिया की आंखों में आंसू आ गए। एक वर्ष पहले की बातें याद आती हैं, जो उसकी माँ कहा करती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट शर्ट पहनेगा। गाड़ी पर चढ़कर बिरजू का मन भी उदास हो चुका था। उसने अपने मन में इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला, गाज का सबसे पहला बैगन जो उसने खुद रोपा था। अर्थात दोस्तों, वह जिन बाबा से कहता है कि वह उनको सबसे गाज यानी पेड़ अपने पेड़ का सबसे पहला बैगन चढ़ाएगा। सर्वे के समय बिरजू के पिता को 5 बीघा जमीन हासिल हुई थी, उससे भी सभी को जलन होती है। पर इस दौरान बाबू साहब की धमकी भी सहनी पड़ी, उसकी कोई बात नहीं करता। यह सब चंपिया की माँ सोचती है। बिरजू की माँ को उस दिन की बात का बहुत गुस्सा आ रहा था। बिरजू के पिता ने जिस दिन बैलगाड़ी के नाच दिखाने का वादा किया था, अब उसे गांव की औरतों के मजाक का पात्र बनना पड़ेगा, ऐसा बिरजू की माँ सोचने लगती हैं। तभी बिरजू के पिता बैलगाड़ी लेकर आ जाते हैं। बिरजू की माँ की नाराज़गी दूर हो जाती है। बिरजू और चंपिया भी बहुत खुश हो जाते हैं। मखनी फुआ को घर की पहरेदारी करने को रख सज धज कर गाड़ी में नाच देखने चलती हैं। गाड़ी में जगह होने के कारण बिरजू की माँ ने जंगी की बहू को भी साथ लेते चलने को गाड़ी रुकवाई। जंगी की बहू लरेना की पत्नी और राधे की बेटी सुनरी तीनों को साथ गाड़ी में बिठा चल पड़ते हैं। फिर बिरजू की माँ ने चंपिया को बायोस्कोप के गीत गाने को कहा। चंपिया के साथ जंगी की बहू भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। बिरजू की माँ के मन में जंगी की बहू के प्रति खटास खत्म हो गई और मन ही मन कहने लगी, जंगी की बहू की तारीफ करने लगी कि कितनी प्यारी बहू है। सच ही तो कहा है लाल पान की बेगम, यह कोई बुरी बात नहीं है। वह खुद ही सोचने लगी कि वह है ही लाल पान की बेगम। अपने पहनावे लाल साड़ी की तरफ एक नज़र डाली और अपने चेहरे के तरफ भी। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा शेष नहीं बची और वह सोने लगी। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में शायद कभी ना कभी ऐसा अनुभव जरूर किया होगा कि कभी कोई बात हमें बहुत दुख देती है, फिर कुछ समय के पश्चात वही बात हमें ठीक लगने लगती है। दोस्तों, किस किसने ऐसा अनुभव किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।